नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी कहते हैं। अचला सप्तमी को रथ, सूर्य और आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इस साल अचला सप्तमी 19 फरवरी यानी कि शुक्रवार को है। अचला सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से प्रकाश, धन संपदा और संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। ऐसे में विवाहित दंपत्ति जो सालों साल तक कोशिश करने के बाद भी माता पिता बनने में सक्षम नहीं हो पा रहे, यानी कि वो निःसंतान है, तो ऐसे में अचला सप्तमी के दिन से ही आप प्रतिदिन नहाकर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से संतान धर्म प्राप्त होती है। वहीं आपको बता दें कि अचला सप्तमी के दिन से रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ रविवार का दिन छोड़ दें। वहीं जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है वो गुरुवार को उपवास करें और पीली वस्तुओं का दान करें। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीला भोजन ही खाएं। अचला सप्तमी के दिन से आप सूर्य अर्घ देना भी शुरू कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।